This Movie Uncoded by Patchy 87. बेशक ये काम करेगा। वैसे मेयर और मैं वापस जाने वाले हैं। हे, वैसे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कब नहीं आया हूँ बेबी। इसके अलावा और तब भी देखो इस बार ये अलग है विली, तुम और इरिन सिर्फ अल्फाज पता कर लेना। जब वो जिमी ग्रीन के पास आएगा तो मेरे अल्फाज पैसा बनाएंगे, ट्रस्ट मी। जिमी जॉन, ओ मेरा मतलब शेरे, वाओ अपने आप को देखो, सपने में जी रहे हो। हम दोनों में मैं इंस्पेक्टर बन गया। तुम्हारी बहन कैसी है ब्रांडा? अब वो गन रखती है,
तुम्हें देखकर वो खुश होगी। मिस्टर मेयर जेम्स, आई एम वेरी बिजी मैन। जानता हूँ आपके कंधे पर सारी दुनिया का बोझ है, कम से कम इस शहर का तो है ही, लेकिन डरिएगा नहीं, आपका रक्षक यहाँ पर है। किसका रक्षक? आपका और इस टापू का। तुम्हें क्या लगता है कि रक्षक की जरूरत है हमें? जहाँ देखो यही नजर आता है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, घर बिक रहे हैं, यहाँ के लोग टापू छोड़कर काम की तलाश में दूर जा रहे हैं, गरीबी ज्यादा है और खुशियाँ कम है। अपना भाषण बंद करो प्लीज। ओके, ये भाषण नहीं है, ये तो सुनहरा मौका है। अब बकवास बंद करो। हाँ, इस बार कितना चाहिए तुम्हें? क्या पैसे? मुझे जरूरत नहीं है। हाउ मच? आपको पता है असल में ना पापा, मेरा अपमान हुआ है, आपका बेटा आपकी मर्दानगी का नतीजा इस मरते हुए शहर में जान डालने के लिए वापस आया है। असल में मैं कितना मैंने पूछा? ज्यादा नहीं, यहाँ के निकेल से मुझे लाखों मिलेंगे, इसका मतलब टापू के लिए लाखों रुपये, आप हीरो बनेंगे। ये चुनाव का साल है ना पॉप? हाँ, मेरे पास एक प्लान है जो लाल रेत से सफेद रेत निकालकर वापस उसे काली रेत बना देगा, जैसे वो हमले से पहले था। ठीक है बेटा, मैं काटूंगा। मैंने कितनी बार इन लोगों से कहा है कि किनारे पर बाइक ना चलाएं। बहुत बार, और हमें अभी तक कोई बॉडी या बाइक नहीं मिली। और बाकी के राइडर्स, उन्होंने ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। सही है, क्योंकि किसी ने, मेरा मतलब ऐसा लगता है कि उसे रेत में घसीटा गया तब तक जब तक उसका सर फट नहीं गया। वो उस वक्त चिल्ला भी रहा होगा क्योंकि वो इंजन बहुत शोर करते हैं। हाँ, तुम्हें पता है कि मैंने उन लोगों को बीच पे बाइक चलाने से मना किया। हे, देखो तुम मेरा सर मत खाओ, मैं भी उतनी ही परेशान हूँ जितने तुम। हमें अगर मर्डर की गुत्थी सुलझानी है तो हमें हर पहलू को जानना होगा। मर्डर? तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो? फिर और क्या हो सकता है? वैसे मैं बता दूं कैसा लगता है इस पर, तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। सच्चाई? सच्चाई ये है कि ये सर और वो निशान पानी से काफी दूर है, जहाँ शार्क अटैक नहीं कर सकते। हो सकता है लहरों ने उसे मिटा दिया हो, ये लाइन इस रास्ते से गुजर कर ऊपर खत्म होती है। नहीं, नहीं हो सकता, टीम ने अभी तक हेलमेट पहना, और हेलमेट पहन के तैरने क्यों जाएगा? पता नहीं, शायद वो पानी में हो सकते हैं, आजकल इस डर्ट बाइक से वो पानी में भी राइड कर सकते हैं। तुमने जिनसे पूछा उन्होंने ऐसे ही कहा? हाँ, मैंने उन्हें पूछा था पर उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं करते थे। वो अपना हेलमेट पहनकर पानी में कैसे? ठीक है, और उस खून के निशान को देखो, वो सर की वजह से बना है, ये लहरों ने काम नहीं किया है, उसे घसीटा गया है। उन जख्मों के निशान काटने से मिलते जुलते हैं, क्यों ना हम डॉक्टर पावर्स को बुलाएं? मैं डॉक्टर पावर्स को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो शार्क नहीं था, मेरा मतलब वो भेड़िया भी हो सकता है। भेड़िया? इस टापू पर पिछले 3 सालों से कोई भेड़िया नहीं आया। मेरा मतलब अगर कोई दूसरा जानवर होता तो इस इंसान का क्या करता? लेकिन शार्क के अलावा और बॉडी की तलाश करो, बीच के ऊपर जाना। तो क्या हम पानी छाने? नहीं, पानी से दूर रहो, लेकिन बीचेस खुले हुए हैं। तो क्या? मेयर का हुक्म है। रही शाक की बात, जिमी वापस आ चुका। आपको टापू का पुराना फेस्टिवल याद है पॉप? प्लीज बेटा, इसी के लिए ये सब हो रहा है, तुम्हें एक और पार्टी देनी है, यहाँ के लोग अभी तक पिछली वाली से उभर नहीं पाए हैं। मैं जुलूस और खच्चर सवारी की पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ पॉप, ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ एनुअल फेस्टिवल की, जो आधारित है रेडिकल सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रिलायंस पर। हमारी टेम्पररी कम्युनिटी स्प्रिंग ब्रेकर्स को वही देगी जो उनको चाहिए, फ्रीडम, उनके क्लास और बंधनों से आजादी। फ्रॉड पार्टियां? ओ यस, कॉलेज की हालत बहुत खराब है, तुम्हारी जानकारी के लिए। पुराने कुंबाया त्योहारों में से एक जैसा लग रहा है। याद है मुझे वो दिन, हिप्पी इधर उधर दौड़ते थे नंगे और नशे में। नहीं नहीं नहीं, सुनिए पॉप, मैं सिर्फ उन स्प्रिंग ब्रेकर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो अपने आप को नशे में झोंक कर कपड़े उतार कर घूमते रहते हैं, वहाँ पर म्यूजिक भी होगा। हाँ हाँ, इसके बारे में सोचिए, सोचिए जरा। डेटोना, हवासु, बर्निंग मैन,
ये सारी जगहें साल के सिर्फ एक हफ्ते पर चलती हैं। हमारे पास खुद की दूध देने वाली गाय है सैन मैन फेस्टिवल। हजारों बच्चे अमेरिका के हर कोने से इस टापू पर आएंगे मजे करने के लिए और ढेर सारा पैसा लुटाएंगे। जो शहर को बचाएगा, आप वो मेयर हो सकते हैं जो इस शहर को बचाएगा। आप और मैं वो फैमिली होंगे जो इस शहर को बचाएंगे। तुमने प्रैक्टिस की है भाषण की? हाँ, थोड़ा सा रटा हुआ लग रहा है क्या? असल में नहीं। सैंडमैन फेस्टिवल तो इसमें काफी गुनाह होंगे। बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा। टिकट बेचने से तंबू किराए पर देंगे, रहना खाना, इससे बहुत पैसा मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो खूब कमाएंगे। मतलब आप मान गए? हो जाए पार्टी बेटा, मैं ये नहीं कर सकता। क्या बात है, लव यू पॉल। लगा रहे बेटा। पैसिफिक मैरीन इंस्टीट्यूट। हाँ, मेरा नाम ब्रांडा स्टोन है। मैं व्हाइट सैंड्स आइलैंड की शेरिफ डिपार्टमेंट की डेप्यूटी जी। क्या मैं बात कर सकती हूँ डॉक्टर पावर्स से? ये है वो। माफ कीजिए, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जैक्स पावर्स की। वो अब हमारे साथ नहीं है। तो क्या वो रिटायर्ड हो चुके हैं? कुछ साल पहले उन्होंने शार्क अटैक के बारे में हमारी मदद की थी। लगता है वो उन पर संशोधन नहीं करते, उनके साथ ठहरते हैं। क्या मैं आपकी और कुछ मदद कर सकती हूँ? तो क्या और कोई शार्क अटैक हुआ है क्या? बोलो। ऐसा तो कुछ नहीं, पर हम चाहते हैं कोई आकर मुआयना करे। क्या नाम है फिर से बताइए? ठीक है, तुमने मुझे बड़ी आसानी से रेत में दफन तो कर दिया बेबी, लेकिन तुम मुझे यहाँ से निकालोगी कैसे? माफ करो, मैं बिजी हूँ। नहीं, तुम बिजी नहीं हो, तुम तो सन लोशन लगा रही हो। ओ, तुम्हें थोड़ा चाहिए? तुम ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वादे के मुताबिक मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रिलैक्स। रिलैक्स? तुम कोशिश करो रिलैक्स होने की, जब तुम रेत में दफन होगी वो भी गले तक। वैसे शायद तुम अगली बार हमारी एनिवर्सरी याद रखोगी। मैं क्या कहूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये सबसे बुरी घटना है जो आज तक मेरे साथ घटी है। अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। ये ठीक है, अब कुछ भी हो मैं तो ब्रेकअप करूंगा। सिंडी, आओ। ये क्या? आओ। शब्द है या दो? जो भी हो। ओके, बाइटर पर बाइट भेजती है। कुछ ही मिनटों में इस कॉलेज का हर लड़का सैंडमैन में बाइट लेने जाएगा। सोशल नेटवर्किंग से प्यार हो गया। जी मिस्टर बैग्यू, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मिस्टर ग्रीन की पार्टी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी, आप जिमी की वकील है? उसने हमें कुछ तेज औरतों से मिलने के लिए कहा था। एक्चुअली उसने कहा तेज जुबान की शैतानी औरत। मुझे यकीन है कि वो मजाक कर रहा है। तो मैं विली हूँ, मैं जीमे के लिए साइबर मार्केटिंग करता हूँ और ये ईरन हमारी इंटर। Hey! मेरे टापू पर स्वागत है। फ्लाइट कैसी थी? फ्लाइट बहुत अच्छी थी। मेरी पहली हवाई सवारी वो है लाफुल थी। मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूँगा, लेकिन नहीं ले सकते, उसके इन्वेस्टर ने पैसे दे दिए। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा अमांडा। टोनी डी बैग ने मुझे चेक करने के लिए तुम्हें भेजा है? मिस्टर बैग, ये बस ये देखना चाहते हैं कि आपने चबाने लायक बाइट छोड़ा है ना। अच्छा, तो चलो बीच देखते हैं ताकि तुम मेरे लिए फैसला कर सको। चले
स्पार्की और लड़के कहाँ हैं? वो बोट पर गए हुए हैं। मजदूरों के लिए काफी जगह नहीं थी। ये फेस्टिवल एक बम की तरह होगा। हाँ, मैं उसके मिलिट्री लेवल के बारूद के बारे में सब जानता हूँ। वो अब इस फेस्टिवल को सैंड पैकालिप्स नाम देना चाहता है। मिस्टर ग्रीन, बस घुस जाओ, ये सेफ है। हाँ, मैंने पहले सुना तो था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम्हारी नजर शार्क पर थी, तुम उसे पकड़ ही लोगे। मुझे लगा जैसे मैं पानी में खो गया हूँ। कुछ हलचल हुई? नहीं, ये मर चुका है। वैसे मैं सोचती हूँ ये थोड़ी सी राहत है। ना जॉन, अरे देखो, तो हम मेन स्टेज इसी जगह पर बनाएंगे। वहाँ पर तंबू होगा जहाँ बियर और खाने पीने का इंतजाम होगा। पीछे वीआईपी लॉन्ज होगा। क्या इस जगह सचमुच की स्टेज है? बिल्कुल नहीं, मैं ये सब जमीन पर देखना चाहता हूँ। जानते हो, डीजे स्पिनिंग बिल्कुल नजर के सामने रखो। इसे बड़ी बीच ब्लैंकर बिंगो पार्टी बनाओ। फिर यहाँ डीजे कौन होगा? साफ है, किलर कार, देर हो, डीजे प्लान बी के लिए चीजें जुटाना शुरू करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ठीक है। ये मजाक है, तुम कर्जे से जमा कर रहे हो। वैसे क्या मजाक है अमांडा, क्या तुम डायन नहीं हो? वैसे वो एक चमत्कार होगा। मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो जेम्स, मैं तुम्हारी पहुँच के बाहर हूँ। बस तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम टोनी को बताओ कि जिमी ग्रीन हमेशा पे करता है। मैं जब बोलता हूँ तो दे ही देता हूँ। मनी, वो तो अच्छा है, पैसे। नहीं तो तुम्हारा नाम कवर पे लिखा जाएगा। तो फिर घर का क्या होगा? हाँ, घर बीच के निचली तरफ जो रास्ता जाता है उधर कैंप ग्राउंड है। वहाँ पर आरवीज रख सकते हैं, तंबू बना सकते हैं, जो चाहो कर सकते हैं। तुम चाहते हो कि कॉलेज के हजारों बच्चे तंबू में सोए? मैं जानता हूँ अमांडा, तुम 3-स्टार होटल को भी कचरा समझती हो, है ना? ट्राई करो 4-स्टार। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काउच पर सोना लग्जरी है, क्योंकि ये स्प्रिंग ब्रेक है, ये सैंडमैन फेस्टिवल है। अगर वो सोना भी चाहे तो नहीं सो सकते। आपको बिस्तर की क्या जरूरत, जब आप नशे में होगे, बीच होगा, बैंड होगा। और इसीलिए मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। स्प्रिंग ब्रेक हुक से छू चुका। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। ओहो, अच्छी हैट है, क्या ये यूनिफॉर्म के साथ है? जिमी, ब्रांडा, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था। ओह, बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम मुझे घर छोड़ने का नोटिस, दो बड़े बिल और बेवकूफ बिल्ली के साथ छोड़ गए थे। कम से कम कुछ तो छोड़ा था। लेकिन तुम यहाँ वापस क्यों आए हो, मिस्टर जिमी ग्रीनबर्ग? ग्रीनबर्ग? अब ये ग्रीन है। हाँ, मैंने सुना। वैसे किसमें? जैसे पैसे में। राइट, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं। बिल्कुल, वही तो मैंने कहा। माफ कीजिए, आप कौन है? ये है अमांडा गोम्स और ये मेरी वकील बनेंगी। एक्चुअली मैं जिमी के फाइनेंसर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बाकी चीजों के साथ। फिर लोग दोबारा यहाँ क्यों आए? बस मुझे इस टापू को बचाने का आइडिया आया था, इसलिए। ओह, तो कर क्या रहे हो एग्जैक्टली? बस ऐसे ही लोकल बिजनेस की मदद कर रहा हूँ। हम स्प्रिंग ब्रेकर के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, इसे सैंडमैन फेस्टिवल कहते हैं। ये एक यादगार चीज बनेगी। फेस्टिवल,
जिमी तुम कोई दूसरा फेस्टिवल शुरू कर रहे हो? मेरा मतलब ये कोई फेस्टिवल नहीं है, बस ये एक छोटा सा गेट टुगेदर है। इस टापू के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं और तुम पार्टी दे रहे हो? देखो, मैं व्हाइट सैंड्स को नक्शे पर वापस लाना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मैप से हट गया जिमी। पिछली बार जब तुमने पार्टी दी थी तो 50 लोग मारे गए थे। कोई तो बचाओ, मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ हो गया है। शार्क रेत में नहीं तैरती। मैंने देखा है। पता नहीं इसने रेत और शार्क को कैसे देख लिया। चलो जल्दी। ये बिजनेस के लिए बुरा है। असल में ये हो क्या रहा है? ये क्या सब हो रहा है? ये कैसे होगा? हमको बुला क्या? वहाँ पानी में खूनी है और आप हमें चुप बैठने के लिए कह रहे हैं? टिम कैस्टरी कुछ दिन पहले मर गया और आपने हमें आगाह नहीं किया? अब रुको पीटर, हमें पता नहीं था कि टिम कैस्टरी पर अटैक हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम अभी तक लाश नहीं ढूंढ पाए हैं, सही है ना जॉन? हाँ मिस्टर मेयर, लेकिन एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, मैं जानता हूँ आपके साथ ये घटना घट चुकी है। आपने शार्क अटैक में अपने बीवी और बच्चे खो दिए। है, हम नहीं कह सकते कि ये शार्क अटैक था। तो और क्या हो सकता है? देखिए, मेन लैंड से एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, जॉब पावर्स। पिछली बार उन्होंने हमारी मदद की थी, उन्हें पता होगा क्या करना है। इनाम के बारे में क्या ये सच है? जी मिस्टर मेयर, ये लिखिए। यस, मैं कहूंगा ये सच है। जो कोई उसका सर लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। देखिए सुनिए दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आप बंदूक लेकर किसी मछली के पीछे दौड़े। माफ कीजिए सर, हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ से आते हैं। सुना है वो रेत से आते हैं। नहीं बॉब, मुझे यकीन है कि मैं शार्क से पानी में गए, लेकिन जब तक एक्सपर्ट्स आकर मुआयना नहीं करते तब तक बीचेस बंद रखेंगे। वॉट, आप बीच को बंद करोगे? कब का? सुनो, जब तक हमें जान नहीं लेते और उसको रोक नहीं लेते, क्या चीज़? कब तक बंद रखोगे? मेरा अपना बिजनेस है, उसका क्या होगा? एक और बुरा सीजन, मुझे वापस जाना पड़ेगा। बीच बंद करने से हम सब मारे जाएंगे। अब शेरिफ जो कहना चाहते हैं कि यहाँ के बीच बंद रहेंगे। इस बार कोई एक्सक्यूज मी, मैंने कहा मैं पकड़ लूंगा उस सैंड शार्क को। मैंने आज तक इतना बड़ा सैंड शार्क नहीं देखा। क्योंकि तुम्हारी नजरें तुम्हारे पिछवाड़े पर रहती हैं, अगाड़े पर नहीं, सामने देखो। वो सैंड शार्क है जो रेत में तैरती है, रेत में। उनका वजूद नहीं है। तुम कहते हो मैंने उसे देखा है, अब तुम पकड़ोगे या नहीं? हाँ बिल्कुल पकड़ेंगे एग्नेस। ओके, मैं उसे पकड़ूंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ चंद पैसों के लिए नहीं करूंगा। मुझे कम से कम 10 गुना चाहिए, फिर तो मैं सर ले आऊंगा, जिंदा या मुर्दा। उसके बाद आप अपना फेस्टिवल मनाइए और आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। टूरिस्ट आएंगे, किसी को परेशानी नहीं होगी। वैसे शुक्रिया एग्नेस, हम इसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे। आप जानते हो मैं कहां मिलूंगा? ठीक है भाई, मीटिंग खत्म हो चुकी है, सलून के लिए। क्या? चलिए मीटिंग खत्म हो चुकी है, सलून चलिए, बिल्कुल चलिए, चलिए चलो घर। ठीक है भाई, मीटिंग खत्म हो चुकी है, सलून चलो घर। चलिए 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 सलून बात, चलिए चलिए चलिए। शेरिफ स्टोन,
गर्दन पर जो निशान है वो पैरों के निशानों से मेल खाते हैं। एक ही जानवर का है। ये शार्क है? अभी बता नहीं सकती, मुझे कुछ और टेस्ट करने होंगे। अगर कोई और डीएनए है तो देखना होगा। तुम्हारे पास तो गन थी डॉक्टर पावर्स। हाँ, तुम जानते हो वहाँ बाहर बहुत सारी शार्क्स हैं शरीफ। लड़की हूँ ना, ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ये सैंडी है, प्लीज। वैसे सैंडी, मुझे जॉन ही बोलो। तुम्हें यकीन है वो चीज रात को बाहर आएगी? हाँ बिल्कुल मैन, सभी हमले रात को हुए हैं, हमें धीरज रखना होगा। निकलो यहाँ से जल्दी। हम जमीन पर है, वो हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। कोई है जो हमें बचा सके? वैसे वो अल जॉन्स राफ्ट है, इसे उठाओ जरा। ठीक है दोस्तों, इसे नीचे रख दो। ऐसा लगता है जैसे नाव से बाहर निकलना उनके लिए बेहतर। राफ्ट की पोजीशन से फैसला किया जा सकता है, ये बीच से काफी दूर थे, उन पर पानी में हमला नहीं हुआ। सुनो, हमारे पास प्लान है पार्टी करने के लिए। अब मुझे उसके साथ डील करने जाना पड़ेगा। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं रेत में खेल के देखती हूँ कि कितना खोद पाती हूँ। ओके, शुक्रिया दोस्तों। मुझे यूनिफॉर्म वाली औरतें अच्छी लगती हैं। जिमी, मैं मूड में नहीं हूँ। मूड में नहीं हो तो मेरा क्या होगा? मुझे पूरे फेस्टिवल की तैयारी करनी है और तुम्हारा भाई बीच पर जाने नहीं दे रहा। तुम तो जानते हो ना कि बीच 24 घंटों के लिए बंद है। वैसे ये पब्लिक के लिए बंद है, मेरे लिए नहीं। ये बीच मैंने रिजर्व किया है मेरे फेस्टिवल के लिए। मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक जॉन न कहे ये सेफ नहीं है। अब छलांग मारने के लिए भी तुम्हारे भाई से परमिशन लेनी होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो साइन मेरे फादर ने किया है, जो व्हाइट सैंड्स के बेहतरीन मौजूदा मेयर हैं, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इस बीच पर आ सकता हूँ। रेत में अल जॉन्स और डेव पार्कर के सिर्फ हाथ मिले हैं, उनकी बॉडीज नहीं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पर किसने साइन किए हैं, क्योंकि बीच 24 घंटों के लिए बंद है। या फिर जब तक हम उस मछली को नहीं पकड़ लेते जो इंसानों को खा रही है, तब तक तुम इस रेत पर पार्टी नहीं कर सकते। बर्फ पर करो। हेलो डॉक्टर, जिसकी भी हो मुझे पता नहीं। तो प्लान क्या है? हम बस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बस अपनी फॉक्सिंग मशीन चालू रखो। मैं जानता हूँ मेरा ये काम तुम ही संभाल पाओगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वो काम नहीं करूंगी। रिलैक्स, मैं काम की बात कर रहा हूँ, काम की नहीं, नेवर माइंड। हाँ, लेकिन बीच बंद हो गया उसका क्या? यहाँ पे शार्क है तो पब्लिक के आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तुम बस शार्क को मेरे ऊपर छोड़ दो। ए जिमी, तुम्हारा भाई अब भी बकवास शार्क मूवीज करता है? तुमने जो स्टफ मांगा था वो मैं लेकर आया। थैंक्स। तो कुछ नया दिखा क्या? एक्चुअली हाँ, ये देखिए इस बैड बॉय को। वाह, शार्क के दांत जैसा लग रहा है। वो तो है, पर मुझे पता नहीं किस तरह का। ये चीज मुझे सच में उलझा रही है। जरा इसे देखो तो, मसूड़ों की रेखा देखी, कितना मुलायम है और दांत अभी पूरा बना नहीं है। ये बेबी टूथ की तरह दिखता है, पर ये किसी भी प्योर ग्रेट व्हाइट शार्क से बड़ा है जो मैंने कभी नहीं देखा। क्या ये ग्रेट व्हाइट है?
ये ज्यादातर सैंड टाइगर शार्क जैसा है। अच्छा, तो ये टाइगर शार्क है। ये आकार में काफी मिलता जुलता है, लेकिन इनके स्ट्राइशंस को देखो और फिर देखो नोक की कगार कैसी खुरदरी आड़ी की तरह। वैसे मैंने सिर्फ एक और दांत ऐसा देखा है और वो दांत मेरे पिताजी लाए थे जेशुआ ट्री से, जो प्री हिस्टोरिक सैंड टाइगर शार्क का था, एक स्ट्रियर टोलामिया मार्काटा। तुम्हारा मतलब है कि ये डायनो शार्क है? मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ और टेस्ट करने होंगे जैसे कार्बन डेटिंग, डीएनए और 2-3 टेस्ट। तो अब तक सभी रॉजर कॉर्मन को मुझ पर यकीन होगा। कौन? बेशक तुम भी मूवी फैन नहीं हो? नहीं। जॉन, मैं ब्रेंडा। हाँ ब्रेंडा। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, उन्होंने एक बड़ी शार्क पकड़ी है। एक पकड़ा क्या? दूसरी भी है पर वो बड़ी है। किसने मारा? हाँ, क्या वो बैन लिंडा था? क्या बैन लिंडा ने शार्क को मारा? मुझे लगता है यहाँ पर ये शार्क किलर है बॉब्स। ओ, आप सर मझेल टॉप, वो इसलिए हम सबको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे और मेरे साथी ने शार्क को पंछी की तरह मारा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैं तुम लोगों की पार्टी खराब नहीं करना चाहता, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? देखना क्या है, ये शार्क है, मरी हुई है, अब बीच ओपन करो पार्टी के लिए। क्या मैं देख सकता हूँ ये वही शार्क है जिमी? क्या? ऑब्वियसली इस बंदे के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, देखो इसे। शेरी, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इन्होंने सही शार्क पकड़ी है। तो अगर ये शार्क है तो हमें निश्चित ही इसे देखना होगा। वहीं से रास्ता निकालो। मिस्टर मेयर, मैं आपको डॉक्टर सैंडी पावर्स से मिलाता हूँ, ये पैसिफिक मरीन इंस्टीट्यूट से आई हुई है, ये हमें बता सकती है क्या ये वही शार्क है। रिलैक्स, ये लॉडेड है। एक्सक्यूज मी शार्क, ये लॉडेड है, ये सच है, ये शार्क अटैक की एक कलाकार है, फिल्माने के दौरान मरी, एक दूसरा एक्टर को इसने खा लिया है, इसीलिए इसे मारना पड़ा। उनके लिए बैठ हमारे लिए अच्छा है। समझ जाओ। ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। ओह कम ऑन, ये क्या है, जोक है क्या? हे पॉप, ऑब्वियसली जॉन फेस्टिवल को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने शार्क पकड़ ली है। हाँ, पर ये वो शार्क नहीं है। मिस, क्या आप सही कह रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, उसके दांत इससे बहुत छोटे हैं। ये एक एडल्ट है और मुझे यकीन है कि हमारे पास जो दांत है वो एक बच्चे का है। और तो और, ये शार्क हफ्ते पहले मर चुका है, मुझे लगता है इन्होंने पकड़ा ही नहीं। बीचेस बंद ही रहेंगे, इस फिश को यहाँ से ले जाओ। मतलब मैं नाम से गया? तुम बस अपने लोगों को साथ रखो और फेस्टिवल की तैयारी करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। फेस्टिवल में आना बहुत मजा आएगा। बेबी, बताओ मुझे वहाँ कैसे चल रहा है? क्या बताऊँ, ये फ्लैश कोई नहीं ले रहा। क्या वो जानते हैं कि ये म्यूजिक फेस्टिवल है? हाँ, पर और क्या तुमने ये भी बताया कि वहाँ पर ढेर सारी बियर मिलेगी? हाँ बताया तो। कहाँ पर हो तुम? बीच पर हूँ, बोर्ड वॉक के पास। बीच पर हो? ओह हेल, नहीं इरीन। बेबी, स्वीट हार्ट, नो, लोग बीच पर हैं, उन्हें पार्टी नहीं चाहिए, वो परेशान नहीं होना चाहते। तुम एक बार ढूंढ लो और वहाँ पे लोगों को बियर पिलाओ। पर मैं तो बस एक इंजन हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। बस कार्ड से खरीद लो, मैं दे दूंगा। Everybody!
पता नहीं ये लड़की मेरे बगैर क्या करेगी, दुनिया उसे कच्चा चबा जाएगी। साइबर स्पेस कैसे प्रमोट करती है? ओ मैन, हमें ट्वीट्स और क्रीप्स, बाइट्स और बुलेटिन्स मिले पूरे वेब में। मैन बताता हूँ, हमने तुम्हारा कैंपस ऑन किया, तुम्हारे वॉल पर और फोन पर, मुझे लॉकडाउन पर जगह मिली बेटा। बहुत अच्छे कुत्ते। अच्छा एक्चुअली ये प्रोग्राम इरिन ने बनाया जो देश के हर ब्लॉग और कॉलेज वेबसाइट में हिट्स कर रहा है, तो ये अब तुम्हारी चिक है। सच में वो ये कर सकती है? और जितनी दिखती है उससे भी स्मार्ट है। वाव, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो एक ऐसी शार्क है। अपनी जॉब बचाना, नहीं तो वो खा जाएगी। क्या? हाँ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस तालाब की बड़ी मछली हूँ, चेक करो। मैं इस टापू के इंटरनेट के लिए भी बहुत बड़ा हूँ, मैं पहले भी दो बार क्रैश कर चुका हूँ इसे। देखो मेरा मतलब है, मैं बस कह रहा हूँ उतना ही अच्छा है। फिर ऐसा कभी मत करना। ओके ठीक है, नहीं करूँगा। नहीं, ये क्या हो रहा है बताओ? अरे कोई बोलो क्या हो रहा है सब? हम फिट हो नहीं सकते। नहीं, ए, तुम जिमी को ढूंढ रही हो? हाँ, और तुम? हाँ जिमी, मैं भीगी हुई हूँ। और हाँ, हाय डेप्यूटी। मैम लगता है ये मिस्टर पॉपुलर है। अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो मैं चलती हूँ। हेलो हेलो, किसी और की भी पत्नी गुल है? मैं समझता हूँ मुझे पिछली सीट क्यों दी गई है, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं बैठना चाहती, ठीक है? लेकिन ये हथकड़ी सच में जरूरी थी क्या? हाँ थी। तो मुझे बताओगी कि क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद है मैंने सॉरी कहा था? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं जानती हूँ, ठीक है? असल में नहीं, नहीं, मुझे लगा था माफी मांगने से मेरे हाथ खुल जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये नहीं खुलेंगी। वैसे तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? जैसे मैंने कहा था, मैं फेस्टिवल करके वाइट सैंस की मदद करना चाहता हूँ। क्या यही है वो? तुम यहाँ लोगों की मदद करने आए हो या उनसे पैसे ऐंठने के लिए? हाँ ऐसे ही कुछ समझो, डैड और मैं मिलकर कुछ पैसे बना लेते। बस यही, उनके अलावा मेरा यहाँ पर है ही कौन? वैसे तुमने सही कहा। वहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम लोगों को पहचान लिया। तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है डू। नहीं, नहीं, तुम भी थे, तुम इससे पहले जिमी की गैंग में थे। बस चुपचाप खड़े रहो तुम। ये तुम्हारे दोस्त है राइट? शरीफ, क्या ये सच में जरूरी है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हाँ जानता हूँ। शुक्र है कि ये सब देखने के लिए तुम्हारी माँ नहीं। क्यों इसे हथकड़ी लगाई? ये रिंग लीडर है इन क्रिमिनल्स का। क्रिमिनल दोस्त, अगर सिर्फ तुम मुझे प्रॉब्लम फिक्स करने दोगे तो। ज्यादा बात मत करो। हाँ अगर तुम उसे पावर ऑन करने दोगे जॉन, तो जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है ये शायद उस पर थोड़ी रोशनी डाल देगा। ओ तो तुम इन लोगों को जानते हो? हाँ अगर सच कहूँ तो मैं जानता हूँ, ये मेरे लिए काम करते हैं। ये सब तुम्हारे लिए काम करते हैं? जी। इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव नहीं, इम्प्रेसिव बिल्कुल नहीं मिस्टर मेयर। ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि झूठे शार्क में फिसलना मजेदार होगा और फिर इस पूरे टापू की बिजली गुल कर दी जाए। देखो ये सिर्फ फ्यूज का प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए उतना काफी नहीं है टकले।
जरिया उतार दो प्लीज। क्या ये सच है? अगर सच कहूँ डैड तो हाँ है, और हमारे पास पूरा सेटअप है करने के लिए, कल सुबह तक के लिए, और हम पहले ही पीछे हैं। अगर ये बस पार्की को पावर ऑन करने दे तो हम इस पार्की बस कूल कर सकते हैं, ठीक है? तुम कानून को खिलौना समझते हो, है ना? और पावर ही एक चीज नहीं है जो बंद हो जाएगी। आपने देखा पॉप, ये फिर मुझे धमकी दे रहा है। ये तो शुरुआत से ही सैंडमैन रोकने की कोशिश कर रहा है। बीच में आने वाले स्वर्गीय कचरे के लिए इतना इंतजार का? मैंने तुमसे कहा चुपचाप खड़े रहो। देखो दोस्त, तुम मेरा इंसल्ट भी कर रहे हो और प्रॉब्लम फिक्स भी नहीं करने देते। चुपचाप खड़े रहो। तुम मुझे शूट करना चाहते हो तो कह दो, नहीं तो आतिशबाजी के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। रुको, तुम लोग यहीं पर रुको। लाइट्स अप बेबी। तुमने वो चीज देखी है? वो ऐसे घूम रही है जैसे पानी में हो। मैंने किसी मछली को रेत में तैरते हुए नहीं देखा। मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर उस बूढ़े आदमी ने सही कहा था, ये एक सचमुच की सैंड शार्क है। जब तक ये शार्क पकड़ा नहीं जाता तब तक हम बीच को बंद रखेंगे। सॉरी बेटा। बाप आपने मुझसे वादा किया था, और मेरे साथ ही व्हाइट सैंड के रहने वाले और पर्यटकों को उनका संरक्षण देने का वायदा किया है। मैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी पार्टी इस टापू के हर किसी की मदद करने वाली है, और अगर मैं ये जानता होता कि यहाँ कोई राक्षस है तो मैं इस फेस्टिवल की अनुमति नहीं देता। राक्षस है वहाँ कोई नहीं, हमें इस बीच को बंद करना होगा अभी के अभी। मैं इस रेत पर लकीर खींच रहा हूँ, और मैं वचन देता हूँ मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक ये जानना खत्म। देखो मुझे बस अभी ब्लैक करने का मौका मिल रहा है। ये ठीक है, जब फायर होगा ऑन द स्पॉट। ये पूछताछ करने आई हो?
और ये भी बताने आई हूँ कि बीचेस खुल गए हैं। ऐसा लगता है तुम्हें पहले से पता है। हाँ, वैसे तुम जानती हो कि वो शार्क अब मर चुकी है। मैं सोचता हूँ शो मस्ट गो ऑन। तुम बिल्कुल वैसे हो, अब तक नहीं बदले। देखो, मुझे पता है ये अजीब है, पर मेरे पॉप्स यही चाहते थे। जेम्स, अपने आप को संभालो, ये तो बस रोजाना का बिजनेस है। तुम्हें लगता होगा कि मैं ऐसे मौके पर फालतू चीजें कर रहा हूँ, लेकिन असल में उन्हें पार्टियां अच्छी लगती थी। मेरा फैसला है कि यह मैं उनके सम्मान में करूंगा। उन्हें यह बहुत पसंद आता। हे जिमी, आज रात कुछ करते हैं। मुझे उम्मीद है ये काम करेगा तुम्हारे लिए और चापू के लिए भी। हाँ, इसके बारे में बोलते हुए मुझे मिला एक आदमी जो मुख्य भूमि से बिजली शुरू करने के लिए यहाँ आ रहा है। तो जॉन को बताओ कि बिजली जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुमने शर्त लगाई थी। ब्रेंडा, यहाँ से बीच पर कैसे जाऊँ बताओ? हाँ, वहाँ से रास्ता है। मिल गया। ओके, ओके। जिमी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। दिख रहा है कि तुम कर लोगे। मेन पावर अभी भी बंद है। किस पे काम कर रही हो? हाँ, ओके, तो याद है मैंने क्या कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगा था कि ये दांत किसी बच्चे का दांत है। हाँ, लेकिन तुमने ये भी कहा था कि ये बच्चे के दांत से काफी बड़ा है। हो, ये बात पक्की है कि बच्चे का दांत है। डरने की बात तो ये है कि असल में ये चीज बच्चे का कितना हो सकता है। हमारी डरावनी मांस खाने वाली मछली एक नवजात बच्चा है। क्या मतलब ये चीज बड़ी थी, ये कैसे हो सकता है? इस बात का सबूत बायोलॉजी में है। ये प्री हिस्टोरिक नहीं है, फिर भी शार्क्स रेंगने वाले हमलावरों की तरह है जो 450 मिलियन सालों से है। पर ये कोई फॉसिल नहीं है, ये एक मांसाहारी है जो रेत को कोट की तरह पहनते हैं और रेत को पानी समझकर उसमें तैरते हैं। ये कैसे तैर सकती है? ये सब इनके स्किन में है। खाल में प्लेकर्ड स्केल्स विकसित होने के कारण इनको रेत में हाइड्रोडायनामिक खूबियां मिली हुई हैं, जो कम करता है इनका टर्बुलेंस और फ्रिक्शन। असल में ये छोटे वर्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं जो उनके स्केल्स में है, ताकि वो सक्शन करे एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन तक और यूं पानी खींच लेती है। लगता है इसीलिए ये रात को हमला करती है, क्योंकि तब रेत ज्यादा ठंडी और नमी वाली होती है। चलो, बड़ी अच्छी बात है, ये मर चुका है। हाँ, इसके बारे में, ये बच्चा मर चुका है, पर ये दिमाग में रख लो कि ये नवजात था, जस्ट बॉर्न। तो इसका मतलब है कि इसकी माँ अपने खोए हुए बच्चों को शायद ढूंढ रही होगी। मैंने ऊपर देखा तो वो वही थे, फिर वो चीज ले गई। मेरे पॉप्स गुजर गए। तुम नॉक नहीं कर सकते क्या? जिमी, हमारे एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम? हाय भगवान, मेरा ऑर्डर कैंसिल करो। हाँ भाई, दोस्त
तुमने बड़ा वक्त हासिल किया। और लोग भी आने वाले हैं। जब हम कॉलेज से निकले तो हजार बच्चे डॉक पर थे। तुम बहुत डरपोक हो भाई। हाँ? तुम्हें बच्चे पर यकीन करना होगा। ए भाई, मेरा मतलब मैं क्या कहूँ, वो मेरी नींद में मेरे पास आया और कंधे नहीं देख के चलो। बेबी, तुम तो बिल्कुल फुल जड़ी जैसी लग रही हो। बस पाइन कौन लेने जब क्रंचेस कहेंगे। ठीक है, एटीट्यूड है एटीट्यूड। अगर इस तरह के लोग यहाँ पर रहेंगे तो स्प्रिंग ब्रेक में मजा नहीं आएगा। व्हाटएवर, चलो चलते। अरे मैंने कहा ना, सच में अच्छा काम है। जिमी इम्प्रेस होने वाला है। तुम्हें लगता है वो मुझे प्रमोट करेगा? नहीं, तुम अब तक इंटर। ए, तुम इलेक्ट्रिशियन हो। ओके कूल, हमें तुम्हें भेजे हुए आंकड़े मिले और सब कुछ, बस तुम तसल्ली कर लेना। राइट मिल जाओ। वो वहाँ बाहर है और अगर वो कुछ भी अपने बच्चे की तरह है, वो बड़ी है और वो भूखी है। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है जिमी, पर ये बीच बंद रहेंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अभी इसी वक्त हजारों कॉलेज के बच्चे तूफान की तरह व्हाइट सैंड्स के बीच पर आएंगे और वो ढेर सारा पैसा लुटाएंगे, मतलब इस टापू के लोगों के लिए ढेर सारा पैसा। अगर तुमने इस फेस्टिवल को खत्म किया तो उसके साथ ये टापू भी खत्म हो जाएगा। मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम उठा सकते हो, पर इस टापू के रहने वाले नहीं उठा सकते। तो जब तक तुम्हें यकीन ना हो कि यहाँ एक और शार्क है। हा? हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है। तो अगर तुमने ये फेस्टिवल बंद किया तो तुम लोग डरपोक माने जाओगे। अगर मेरे पॉप्स यहाँ होते तो कहते, डरपोक होना चुनाव के साल के लिए अच्छी चीज नहीं होती। तुम्हें लगता होगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पॉइंट मिलेगा। मैं मानता हूँ कि री इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं। फाइन, लेकिन जैसे तुम्हारे या मेरे लोगों को शार्क होने का संकेत मिलेगा, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं पिछली बार तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। ओहो, ऐसा लगता है ये ऊपर से आया हुआ संकेत। क्या हो रहा है पार्टी दीपक? फेस्टिवल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट जिमी ग्रीन और ये होने जा रही है बहुत बड़ी, खतरनाक और गर्मा गर्म बीच पार्टी धरती पर। भूल जाइए जेठोना, भूल जाइए कैंकन, सैनमन पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि सैनमन पार्टी कभी रुकती नहीं है। पार्टी शुरू करने से पहले मैं ये इनॉग्रल पार्टी डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पॉप्स की याद में, द लेट ग्रेट मेयर जेम्स ग्रीनबर्ग। बिना उनकी मदद के हमारा सैनमन फेस्टिवल बस एक सपना रह जाता। आप ऊपर से देख रहे हैं ना पॉप्स? अब बिना देर किए मैं चाहूंगा कि आप अपने क्लास की चिंताओं को सुला दें और इस बीच को जगह दे डीजे प्लान बी के साथ। ब्रेंडा, तुम पोस्ट क्यों छोड़ रही हो? तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखों से चीजों का मुआयना करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। पक्का ना? हाँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम और टी बैग्स परेशान थे क्योंकि मैं उन्हें बंद करने जा रहा था। जिमी, आ गई।
ये वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। मतलब तुम मारोगी? रुको, मैं तुम्हें। तुम डिप्टी डोनट्स के बारे में सोच रहे हो मुझसे भी ज्यादा? मुझे काटो अमांडा। मैंने पहले ही कर दिया। तुम सच में नरभक्षी हो, है ना? तुम्हें पता है तुम किसी के कर्जे में क्यों रहते हो जिमी? तुम्हारे पास बिजनेस का दिमाग ही नहीं है। शार्क! ठीक है कुछ नहीं हुआ है। ये तो बस शार्क है, ये तो बस शार्क है। शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। मिस्टर ग्रीन, आप ठीक है? ऐसा कर रहे हैं जैसे भूत को देखा हो। ना, मैं ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है। चलो पार्टी करते हैं। रुको, मिस्टर ग्रीन के साथ फोटो खींचती हूँ। तुम जल्दी फोटो खींचो, हमें पार्टी करनी है। व्हाइट से जिमी, ये तुमने क्या किया? क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है, वो सैंड शार्क थी। वो सैंड शार्क नहीं किया है। सैंड शार्क? मुझे लगा वो मर गई होगी। मुझे लगता है मैं बीमार हो जाऊंगा। देखो तुम सब लोग शांत हो जाओ, थोड़ा एक दूसरे के करीब आओ। शांत हो जाओ, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तेरा मतलब सैंडमैन को रोकना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते। मैं नहीं करूंगा। नहीं कर सकते? कर सकते हो तुम। मैं नहीं करूंगा विली। अगर ये बंद किया तो तुम जानते हो मेरे साथ क्या होगा। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी बीच पार्टी चल रही है, हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि बस एक माफिया चुड़ैल ने अपना सर खो दिया। जिमी, ये सिर्फ अमांडा के बारे में नहीं, ओके? ये स्पार्की के बारे में, तुम्हारे बाप के बारे में, ये उन सब के बारे में जो मर चुके हैं। मैं जानता हूँ, मैं वहाँ था विली, और मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे पॉप स्पार्की और अमांडा सभी कहते थे द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए ये शो चलता रहेगा। अभी भी तुम सीरियस नहीं हो, चाहे हार्ट अटैक हो या शार्क अटैक। विली, मुझे लगता है कि जिम वो कहना चाहता है कि सिर्फ पार्टी इसलिए नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग मरे हैं, बट ये बैड बिजनेस है। समझ गया इरेन, अब तुम एक इंटर हो, चुप हो जाओ या जाके टारगेट अवार्ड अचीव करो। एक इंटर हूँ, जानती हूँ, लेकिन जब से आई हूँ काम तुम्हारा कर रही हूँ। जो भी हो, देखो जिमी, ठीक है तुम जानते हो मैं तुम्हारे इस खेल में शामिल क्यों हुआ, क्योंकि अच्छा खेल था, बहुत सारे फायदे थे इस खेल के, सच है। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, अगर किसी को कुछ भी हो गया तो सब खेल खत्म। इसीलिए ही तो हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। नहीं मैन, भाड़ में जैसा मैं जा रहा हूँ। तुमने ये क्या कर दिया? बिजनेस के लिए शॉक बुरी है, पर विली भी कायर बन पे उतर आया। अगर बिजनेस में आगे जाना है तो आपको भी त्याग करना होगा अमांडा की तरह। मैं सही था, तुम सच में एक शार्क हो, है ना? कौन मैं? नहीं तो, वैसे जो मुझे चाहिए होता है वो मैं माफ कर ही रहती हूँ। तुम्हारा मतलब किसी को मारना? नहीं, इसे बस थोड़ा सर दर्द होगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। आप पार्टी में वापस जाओ और मैं ये सब साफ कर लेती हूँ, फिर हम नाटक करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है अब तुम इंटर्न बिल्कुल नहीं रही, इसीलिए तो मैं आपके पास काम करती हूँ, आपके साथ। जिम्बो, आप बहुत तेज है, अब जाइए पार्टी एंजॉय कीजिए। तो कैरी ऑन। सैंडी, तुम यहाँ पे हो? मुझे लगता है मैंने रेत से कुछ देखा है। मैं देख रही हूँ। वो सब डांस करते हुए दिख रहे हैं।
सैंडी, कुछ बदमाश बच्चों ने एक टीला बनाया शैतान है। हमने कर दिखाया पाप, आपने और मैंने। हमने ये स्टूपिड आइलैंड बचा लिया, हम पर कोई यकीन नहीं करता था। मुझे आपकी याद आ रही है बॉब, आई लव यू। आपकी आत्मा की शांति के लिए। हे, रुको रुको, प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, तुम में से रेक्स कौन है? वो डी रेक्स तुम्हारे लिए, और मैं मटन खाने वाला, मटन खाता हूँ। रुक जाओ वरना मैं उल्टा कर दूंगी। चलो चलते हैं टेलर। रुको, हमें पता है तुम्हारे पास ड्रग्स है। कहाँ से सुना तुमने ये सब? सब लोग यही कह रहे कि तुम्हारे पास बढ़िया स्टफ है, राइट क्रिस? राइट। नहीं, ड्रग्स बुरी चीज है। हाँ, से नो टू ड्रग्स। छोड़ दो मुझे, ओके? क्या हम थोड़ा देख सकते हैं? मैं मेरा दिखाऊंगा, अगर तुम उसे अपना दिखाओ। नो वे, मैं इस लड़के को नहीं दिखाऊंगी। उसे नहीं, सर शार शाकी शाके। ठीक है, पर देखना नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुकूंगा, मत रुको, ये सेफ नहीं है, चलो यहाँ से। ये
यार देखो इधर, ये पहला बार मैं करूंगा तुम पर। ये चलो निकलो यार, पास इसके लिए वक्त नहीं है, जल्दी चलो, जल्दी से निकलो, बीच खाली करो, कम ऑन जल्दी, कम ऑन लेट्स गो, गो गो जल्दी चलो ब्रांडा। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, रख दूंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ब्रेंडा। तुम्हें पता है जब हम एक साथ रहते थे मैं तुमसे कहा करता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलता था, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ ब्रेंडा। आई लव यू। क्या 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 बोलो तुम बुद्धू? मुझे अपना हाथ दो। ये भगवान वो कितना करीब था, वो कुछ ज्यादा उस जहर में क्या था? बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड टर्म जूस। टर्म जूस? हाँ, ये मेरा खोजा हुआ सिंथेटिक लिक्विड है जो शार्क्स के लिए फटका है। ब्रेंडा, ब्रेंडा तुम सुन रही हो? ब्रेंडा ओके रुक जाओ, ठीक ठीक से बैठो, ये अनकंफर्टेबल है, रुको, ये हाँ यहाँ पर रुको, अब बस बैठो यहाँ पर, ये लो, ये मैं तुम्हारे सर पे रखता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। ब्रेंडा तुम वहाँ पे हो? ब्रेंडा अंदर आओ। नहीं नहीं मैं जिमी हूँ। हेलो जिमी, तुम मेरी फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहे हो? ब्रेंडा कहाँ है? वो वैसे मुझे पता नहीं कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हारी बहन को उसे क्या उसे शार्क ने आधा खा लिया है। ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, कुछ बच्चे, मेरे पॉप, तुम्हारी बहन, सब लोग मारे गए, ये सब मेरी गलती है। जिमी हर कोई सोचता था कि वो चीज मर चुकी है। मुझे पूरा यकीन था कि और भी शार्क हैं। मुझे पता था। तुम्हें पता था तो तुम्हें कब पता चला? मैंने एक और देखी थी बस पार्टी शुरू होने से पहले, और उसने अमांडा को खाया। ये बात मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताया? तुम नहीं समझ रहे हो, अगर ये पार्टी नहीं होती तो मैं मर जाता, मेरा मतलब वो मार डालते मुझे। वो लोग तुम्हें नहीं मार पाते क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मेरी बहन के साथ 15 लोग मारे जा चुके हैं तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा, क्या समझे तुम? तुम ऐसा क्यों करोगे? पार्टी देने के लिए बेवकूफ। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे तकलीफ नहीं हुई है क्या? ओ नहीं 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 नहीं, तुम गुनहगार हो, सड़ोगे जेल। तुमने भले ही ट्रिगर नहीं दबाया या गोलियां इस्तेमाल नहीं की, लेकिन बीच का इस्तेमाल किया। जॉन, जो भी हो रहा है वो एक ट्राई
ट्रेजेडी है जो हमारे साथ हो रही है, पर हम फंस गए हैं शार्कों के और पर्वतों के बीच। यहाँ से निकलने का कोई आइडिया है? जिमी, जिमी तुम वहां पे हो, तुवाल क्यों उठाओ? हाँ, मैं जिमी बोल रहा हूँ। देखो मैंने कुछ ज्यादा ओवर एडिट किया। तुम अब भी जेल जाओगे, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें, पर मुझे जरूरत है तुम्हारे मदद की। जान, शायद डॉक्स पर गंभीर हालात हैं। जिमी, क्या कहा तुमने? डॉक्स पे गंभीर हालात होंगे? मैंने कहा डॉक्स पर। वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, वहां पर लोगों की भीड़ है, शायद वहां दंगा हो सकता है, और वहां फेरी कल दोपहर से पहले नहीं आएगी। जीसस। जिमी, उन बच्चों को डॉक से दूर रखो, वो ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं समझ गया। बस ख्याल रखना, जो पहले हुआ अब नहीं होना चाहिए। अब भीड़ को जिम्मेदारी के साथ हैंडल करना होगा, और तुम जो भी करो अपना सायरन बंद रखो, हंगामा नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, डॉक्टर दूर करो। हमें समझ गया, अच्छा हर कोई सुनो, यहाँ से दूर हटो, भागो। चलो निकलो यहाँ से, खुद को बचाओ। क्या सब लोग ठीक है? किसी को मेडिकल अटेंशन चाहिए? किसी को लगा है क्या? कोई तो। तुम वहाँ नीचे ठीक हो ना? तुम्हें मदद चाहिए? वो घायल हो चुका है, सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या? नहीं। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं वहां पर। सॉरी, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। अच्छा तो ये सब मजाक चल रहा था? क्या तुम लोगों को पता है वहां साइन शांत लोगों को जिंदा खा रही है? हाँ, सुनो मेरी बात। मुझे पता है तुम लोगों को मेरी बात बकवास लगेगी, लेकिन वहां रेत में शार्क है। तो नहीं, तुम्हें तुरंत बीच से निकलना चाहिए, अभी के अभी। उठ जाओ और तुरंत यहां से भागो, दूर भागो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो क्या? क्या तुम्हारे पास गन नहीं है भाई? वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता। स्टेशन से भी कुछ नहीं मिला? शायद मैंने चेक नहीं किया। फिर तो वापिस जाओ और कुछ गोला बारूद लेकर आओ, और मैं यहाँ संभालता हूँ। अगर तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे तो तुम लोग पीछे जा रहे हो। भागो, भागो, शार्क का भोजन बना है क्या? भागो, यहाँ से निकल जाओ, निकल यहाँ से, जल्दी जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम डॉक्स पर ही हो। हम लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन तुमने डॉक पर बच्चों की मदद क्यों नहीं की जैसा मैंने कहा? मैंने लड़के को जाने के लिए कहा। क्या तुम कभी दिखे हो सुनने से पहले? और तुमने उसे जाने के लिए क्यों कहा? मैं जानता हूँ ये गन मेरे लिए काफी है। और ये था तो क्या शार्क्स मर चुकी है? अच्छा तो मुदरमा, नहीं, उसके लिए बंदूकों की जरूरत पड़ेगी, पर मैं जितना सेव कर सकता था मैंने किया। शुक्रिया मिस्टर मैक्स ओरली, हमें यहाँ से ले लेंगे। तुम पक्का ले जाओ बेटा? मैं शेरिफ, और हाँ मैं पक्का लाऊं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, बल्कि भूखे कुत्तों के सामने मांस के टुकड़े डाल दिए हैं। ये मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन हम खुद से कुछ करने के लिए तैयार हैं। बंदूकों के साथ? क्या ये बंदूकें रोक पाएगी उस आदमी को खाने वाली शानशार को? तो हमारे पास और रास्ता ही क्या है? इस टापू पर हजारों बच्चे फंसे हैं, उन्हें निकालने का कोई रास्ता नहीं। अब तो कोई फेरी भी नहीं है कल तक के लिए।
एक दिन वेट करने से लेट होगा। तब तक ये टापू सैंड शार्क से भर जाएगा। सैंड शार्क ने खून चख लिया है। अब तो वो लंगर समझकर इंसानों का खून पीने के लिए कभी भी इकट्ठे आ सकते हैं। हाँ, वैसे अगर आप एक्सपर्ट हैं। बोलो अभी क्या करना है। मैं अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट नहीं समझता, पर इन मांस खाने वाले रेतीले कीड़ों का बरसों से शिकार करता आया हूँ मैं। इस लड़की को सही आइडिया आया है। तुम आसानी से इन सैंड शार्क को नहीं मार सकते। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम सैंड बॉक्स के बाहर हो। अब तुम्हें उसी सैंड में सैंड बॉक्स बनाकर उनको ट्रैप करना होगा, जैसे कि वो शार्क टैंक हो। इसका क्या मतलब है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं क्लियर करती हूँ, तुम्हें शार्क्स को किसी तरह से इसी बीच में लेके आना है, फिर रेत को इलेक्ट्रिसिटी से पिघलाना है, इस तरह उन्हें कांच में कैद करना है, यही सही है? आपको बड़े बीच की जरूरत पड़ेगी एंगस। मेरा सैंड बॉक्स है। मैं जब समुंदर की तलहटी में ड्राइव कर रहा था 30 साल पहले, तो मैंने इन शार्क्स को देखा था। इनके किनारे पर आने से पहले ही मैं ये सब जानता था, इसीलिए मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। ये तो पागलपन है, क्या ये सच में काम करेगा? जिमी, नो वे। हमें ईंधन की जरूरत है जो रेत को पिघला सके, और एक सही चारा जो शार्क को यहाँ ला सके। वैसे हमारे पास काफी लोग हैं उनके चारे के लिए। तुम बेवकूफ हो जिमी, हमें चारे के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कोई कोशिश नहीं की, पर वो इकट्ठा हो चुके हैं। क्यों ना हम पार्टी के स्पीकर्स का इस्तेमाल करें रेत में रखने के लिए? शार्क्स मूवमेंट और वाइब्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तुम्हें लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी शार्क तुम्हारे रिकॉर्ड स्पीकर की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाएंगी? पार्टी के स्पीकर्स? अब कौन बेवकूफ है? यस, अगर वाइब्रेशन स्ट्रांग हुई तो हम शार्कों को जैसे चाहे वैसे ललचा सकते हैं। ये बस डिपेंड करता है कि स्पीकर्स कितने लाउड हैं। वैसे मेरे सारे स्पीकर्स लग जाएंगे तो टापू हिल जाएगा। वो बेस्ट है, मैंने उनकी कीमत चुकाई है। ईंधन के बारे में क्या करेंगे? कितनी गर्मी चाहिए रेत को कांच बनाने की? हमें जरूरत है इतना ईंधन जलाने की, एक्स्ट्रा लार्ज, जो तकरीबन 2000 डिग्री तक जाए। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास है। तब तो हमें ऐसा ईंधन चाहिए जो 2000 डिग्री की गर्मी है। हो सकता है, पर ये काम करेगा इसका मुझे सबूत चाहिए, ताकि मेरा काम शुरू होने से पहले मुझे तसल्ली हो। ये टुकड़ा उस शार्क का है जिसने स्पार्की को खाया था। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये रेत के कांच में बंद है। वैसे ये सबूत तुम्हारे लिए काफी है। हाँ? चलो मछली मारते हैं। कम ऑन। मुझे दोपहर में नेपल्म की खुशबू अच्छी लगती है। तुम्हें ये सब मिला?
ये ज्यादा स्ट्रांग है, मुझ पर यकीन करो, ये थोड़ा ज्यादा भी चल सकता है। देखते हैं, देखते हैं। नेपन बेबी, नेपन। अच्छा काम है। यकीन है कि जूस काफी होगा? तुम मेरा मजाक कर रहे हो, मैंने जाल फैला दिया है। ये जानना अच्छा है ताकि हम अगली बार के लिए तैयार रहें। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? चलो इस पार्टी को शुरू करते हैं। हाँ। मिनट रुको, अब क्या हुआ? बिजली चली गई। नहीं, बिजली अभी तक है। वो सामने वाला स्पीकर शायद प्लग से निकल गया। मैं अभी जगा। तुम पागल हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ सैंड शार्क्स की भरमार है, तुम पक्का उनका खाना बन जाओगे। ये सही कह रही है जॉन, तुम अपने पैरों को 10 फीट का नहीं बना सकते। मुझे यकीन नहीं फिर भी कह रहा हूँ, मैं फिक्स करता हूँ। व्हाट जिमी, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। जा रहा हूँ, मैंने सबको मुसीबत में डाला, मैं ही निकालूंगा। जिमी तुम मत जाओ वहाँ, ये तो मुझे करना ही होगा। मेरे पॉप के लिए, तुम्हारी बहन स्पार्की और वो बाकी के सब लोग, मैंने उन्हें चारा बनाया, इस तरह से मैं अंजाम भुगतूंगा। द शो मस्ट गो ऑन। जिमी, ये कोई पार्टी नहीं है जो रात को खत्म हो जाएगी, ये तुम्हारी जिंदगी है। एक बार ये चला गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूँ जिमी, इसे रख लो। नो थैंक्स, मैं उतनी देर के लिए वहां नहीं जा रहा हूँ कि इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, गुड लक जिमी। मैं ये नहीं करूंगा। वो किसका इंतजार कर रहा है? शार्क्स तो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये तो कट चुका है, मैं नहीं बना सकता। ये तो आधा आधा कट चुका है, ये नहीं बन पाएगा। हमें भी जल्दी ही कुछ और करना चाहिए। वो सब उसके पास है। लगता मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। जॉनो फंस चुका है, अभी पता नहीं कैसे उसकी मदद करें। चलाओ चलाओ तुम्हारी नाव धीरे से बहाव में, भरोसा रखो भरोसा रखो, जिंदगी तो एक हसीन सपना है। धीरे से भरोसा रखो भरोसा रखो, जिंदगी तो सपना है। चलाओ चलाओ धीरे से बहाव में, भरोसा रखो जिंदगी तो एक सपना है। चलाओ चलाओ रुकने वाले हैं जिमी, लौट आओ बहाव में।
भरोसा रखो, भरोसा रखो, जिंदगी तो एक सपना है, चलाओ चलाओ तुम्हारे दोस्त दिन से जिमी, हटो, अभी मैं देखता हूँ। देखो प्रैक्टिस के लिए कौन तैयार है। जिमी मर गए। तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था मैं उन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। हमने कर दिखाया। नहीं, हमने कर दिखाया। जिमी ने कर दिखाया। एग्लेस, ये फ्लेम थोर कहाँ से हासिल किया तुमने? घर का बना है, इसके सारे पार्ट खरीदे हैं, इसलिए मुझे याद है। और अब मेयर आ चुका है, इसलिए तुम पर भारी मेयर नहीं। हाँ, मैं सोचता हूँ। तो इंटरनेट का आखिरी डील क्या है? हे, सैंड शार्क लैंड शार्क बन सकती है क्या? एक्चुअली इसलिए क्योंकि उनके क्लाइंट मैं ले रही हूँ। क्या तुम बीच पार्टी देना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। बीच पार्टी करने के लिए तो ना मरते हैं।